राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे के मामले में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 छात्रों की मौत के बाद कार्रवाई का सिलसिला जारी है। उधर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन कर रहे छात्र मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ और घायलों के परिजनों को 50-50 लाख की मांग कर रहे हैं। MCD ने 13 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट सील कर दिए हैं। इस बिल्डिंग के 4 मालिक हैं और चारों मालिक 4 चचेरे भाई हैं। इन्होंने राव IAS कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता को मासिक किराए पर बिल्डिंग का बेसमेंट दे रखा था। उधर आयुक्त अश्विनी कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में आयुक्त JE को बर्खास्त और AE को निलंबित कर दिया गया है। DCP सेंट्रल AM हर्षवर्धन ने पुष्टि की है कि इस मामले में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 7 हो चुकी है। गिरफ्तार किए गए लोगों में बेसमेंट के मालिक और एक व्यक्ति शामिल है जिसने एक वाहन चलाया जिसने इमारत की गेट को नुकसान पहुंचाया। DSPM हर्षवर्धन ने कहा, इस घटना में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हम घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे, इसका हम वादा करते हैं। 3 UPSC उम्मीदवारों की मौत पर बोलते हुए DSP सेंट्रल AM हर्षवर्धन ने कहा कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में IAS उम्मीदवारों के लिए कोचिंग सेंटर वाली बिल्डिंग के बेसमेंट में बारिश के बाद पानी भर जाने से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। छात्रों ने शिकायत की कि लाइब्रेरी में प्रवेश के लिए बायोमेट्रिक एक्सेस अनिवार्य है जो ज़्यादातर बेसमेंट में स्थित है। बताया कि हमने DSP को FIR के प्रति की जाने वाली कार्रवाई, मृतकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए और घायलों को 50 लाख रुपए देने मुआवजा दिलाने की मांग करी है, लेकिन इनमें से कई और भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं सोमवार की सुबह करोल बाग में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इसमें बेसमेंट में पुस्तकालय चलाने वाले कोचिंग सेंटरों और मालिकों के खिलाफ कार्रवाई, बेवजह किराया और ब्रोकर्स को नियंत्रित करने के लिए किराया विनियम विधेयक या किराया विनियम संहिता और छात्रों के लिए बीमा कवर या शिकायत निवारण तंत्र सहित विभिन्न मांगें उठाई गईं। उन्होंने ये भी मांग की कि सरकार बारिश के दौरान क्षेत्र में जलभराव या बिजली के झटके से बचने के लिए कदम उठाए। दिल्ली पुलिस ने घटना के सिलसिले में कोचिंग सेंटर के मालिक और समन्वयक को गिरफ्तार किया। छात्रों ने सिविल सेवा अभ्यर्थी की मौत पर विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए। UPSC के अभ्यर्थी अमन शुक्ला ने कहा, हम मांग करते हैं कि सबसे पहले बेसमेंट में अवैध रूप से मौजूद सभी पुस्तकों को बंद कराने के निर्देश दिए जाएं। MCD को दिखाना चाहिए कि मामला क्या है। ये पहली बार नहीं है कि यहाँ पानी भरा है। पिछली बार जब बारिश हुई थी तो गाड़ियों तैर रही थी। एक साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब तक किसी भी वरिष्ठ अधिकारी ने इस जगह का दौरा नहीं किया है। हमारी मांग है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। यहाँ बेसमेंट में खुली ये सभी चीज़ें अवैध रूप से संचालित की जा रही हैं और सुरक्षा के कोई उपाय नहीं है, इसलिए इन सभी चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है और कार्रवाई की जानी चाहिए। एक अन्य UPSC अभ्यर्थी ने भी कुछ ऐसा ही कहा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।